अच्छा जी, खबर तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये हैं वो किलर साहब जिनकी शादी हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर हाउस में बड़े धूमधाम से हुई। ये है वो इनकी बरात में ना बैंड अच्छा लग रहा होगा ना कोई, बल्कि खुद ही बैंड बजा रहा होगा। अदा आप मुझे गौर से दिख रहे हैं, हालांकि मुझे आपको गौर से दिखना चाहिए। क्यों, आपकी नजर कमजोर है? वैसे बजाय शर्मिंदा होने के आप आके तो मतका लगा रहे हो। यानी खबर मैंने भी पढ़ी है कि एक क्लर्क और डिप्टी कमिश्नर हाउस सजाया गया उसकी शादी के लिए, और 400 मेहमान थे शादी में। तालुकात मेरे बहुत है ना। और भाई क्लर्क हो तुम मेरे तरह के मस्कीन आदमी, ये हो तुम भी हमारे जैसे बंदे की तो अपनी शादी हो तो वो सोच रहा होता है कि यार अगर मैं नाम रात के साथ जाऊं तो एक बंदे की बचत हो सकती है, तो तुमने 400 बंदे ही बुला लिए। लोगों को शौक था कि इस भाई की शादी कब होगी, तो हमने इसकी शादी में शिरकत करनी है। ये शादी थी या कोई सर्कस थी आपकी, या आपने कोई कब्जा लेना था? शादी किस बेस पे की आपने? वेस्टकोट आपको बड़ी है, ऐनक भी मुझे बड़ी लग रही है। अरे भाई, शादी अपनी करनी थी तो डिप्टी कमिश्नर हाउस में क्यों की? और लॉन बुक कराते, हॉल बुक कराते तो मैं पता, कानूनी तौर पे डीसी हाउस को किसी निजी तकरीब में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। बाबा तमाम शादी हाल थे, मसरूफ थे, आपको पता है सीजन है शादियों का। कब तक लूटेंगे सरकार को? यानी सरकारी बिजली खर्च की, सरकारी कोठी खर्च की, सरकारी वेटर शेटर सारे। बिल्कुल, तो मेरा मतलब है कि पहले कौन सा हम सुखी जिंदगी गुजार रहे हैं जो आप लोग सरेआम इस तरह मुल्क की मईशत को और मुल्क की माल को और अवामी पैसे को लूट रहे हैं। बाबा हमने खून जिगर दिया है, हम भी सरकारी मुलाजिम हैं। खून जिगर तू की कलरक दी मेज ते कतल हो गई है काम कर रहे होते हो, खून जिगर दिया है या तो है ना किसी साहिल ने आगे रजिस्ट्री कराने के बजाय तुम्हें गोली मार दी है, या फिर ये कोई तहरीक पाकिस्तान का कोई सिपाही है जो खूने जिगर दिया है इसमें। और शादी किसी भाई किसी उम्र में करते, लग रहा है 2 साल हो गए रिटायर हुए आपको। यार कौरी, तुम सरकार का पैसा जाया जो हुआ उसकी तरफ तवज्जो दो, तुमने कलरक की तरफ तवज्जो दी है। बिल्कुल ठीक है बाबा, मैं डीसी हाउस में काम करता हूँ तो मेरी शादी डीसी हाउस में क्यों नहीं हो सकती? ओ कल को तुम कह दो कि मेरी वजीरिया ये मैं उसमें शादी क्यों नहीं हो सकती। ओ अकल को हाथ मारो, सरकारी अमलाक, सरकारी मोटरें, सरकारी चीजें जो है वो क्यों इस्तेमाल करे प्राइवेट? बाबा चोरी तो नहीं की है ना, कोई कुंडा तो नहीं डाला है, सरेआम की है शादी। तो जो डकैत सरेआम डाका मार रहे होते हैं वो क्या कहेंगे, हमने सरेआम डाका मारा है, हमें छोड़ दो। हद हो गई है बाबा, आप मेरी शादी को डकैती के साथ मिला रहे हैं। और डकैती से काम भी नहीं है तुम्हारी शादी। डकैती की है तुमने सरकारी खजाने के ऊपर, और क्या किया है? और ऊपर से आपने 400 बंदा बुला लिया, आपके जेन में एक मर्तबा भी मेरा ख्याल नहीं आया। इसको बुला लेते तो 425 हो जाना था। ओगोगे और सरकारी खजाना लूटा जा रहा है, तुमने अपने पेट की पड़ी हुई है। वो क्या कहते हैं, लोकां नू लोकां दी ते गगड़ी नू जोकां दी। बाबा आप मुझे सलामी दें, आप तो मेरे खिलाफ हो गए हैं। ईमान से चाहिए तो ये किसी बड़े अफसर को के तुम्हें पकड़वा दे और तुम्हें कोई SHO सलामी दे। यार अजीजी क्या पकड़वा दे, डिप्टी कमिश्नर की आशीर्वाद हासिल है, उसी के दफ्तर में काम कर रहा था, उसी ने डिप्टी कमिश्नर हाउस ऐसे ये खुद सजवा सकता है उसको। वैसे वो डिप्टी कमिश्नर साहब को भी चेक करना चाहिए। हाँ जी, उनको भी देखना चाहिए कि वो क्यों इसको इतना लाडला बनाए हुए हैं। बिल्कुल, ये उनका कौन सा पुर्जा है, किस काम आता है उनके, जरा ये जहन में होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को भी होश के नाखून लेने चाहिए थे, उनको भी ये देखना चाहिए था कि है ये क्लर्क मेरा। हाँ। तो ये 400 मेहमान और वो भी सुने अमीर कबीर लोग आए हुए। अच्छा। सरकारी ठेकेदार भी उसके अंदर थे। बाबा मैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में काम करता हूँ, ये तो उनकी अच्छाई है कि वो अपने अमले को अपनी औलाद समझते हैं। वाह 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 वाह, तो उनको चाहिए फिर अपने पैसों से शादी करें ना, सरकारी पैसे को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब को 85 साल के हैं जिनकी औलाद इतनी बुजुर्ग हो गई हुई है। परी साहब,
14 अगस्त को सरकारी बिल्डिंगें सजती हैं, ये तो समझ में आता है जी, हाँ। जी आजादी का दिन होता है हाँ। ये शादी में देखो इतनी सजाई जा रही है, ये नहीं समझ आ रही। भाई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इसकी इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। हाँ जी, सरकारी अमलाक का इस्तेमाल प्राइवेट तौर पर ये बिल्कुल जुर्म है, बिल्कुल गलत है। ये हम कई दफा रोने रो चुके हैं कि सरकारी गाड़ियों पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सरकारी गाड़ियों पे बेगमाद शॉपिंग पे जा रही हैं। हाँ, ये सब का सब जो है ये करप्शन है। अजीजी ऐसे ही क्लर्क की एक और कारस्तानी सुनाऊं मैं? सुनाए प्लीज। ये महकमा एंटी करप्शन सिंध ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मलीर के दफ्तर में काम करने वाली एक खातून क्लर्क को गिरफ्तार किया और उसको रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें 85 लाख के जेवरात और वो रिश्वत ले रही थी। 85 लाख रुपया और जेवरात? हाँ जी। इन्हें झाड़ दियो यार।